चैनल, चैनल का इंट्रो तो आपने देख ही लिया होगा अब तक, अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए। दिस चैनल इज ऑल अबाउट माई ब्लॉग्स। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ था ब्लॉग्स के लिए, इसलिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग्स ही बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड का बर्थडे है एंड व्हाट कुड बी अ बेटर ओकेजन देन हिज बर्थडे, तो मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग आज से ही स्टार्ट की जाती है। एंड एंजॉय द ब्लॉग। अभी बज चुके हैं शाम के ऑलमोस्ट 7 और कल इनका बर्थडे है, तो मतलब रात को 12 बजे केक कटिंग होनी है, तो मैंने सोचा है कि रात के लिए मैं केक प्रिपेयर करती हूँ अपने हाथों से। इस तो गाइस संडे का दिन था और उस दिन सब्जियां भी आई थी घर पर, और ये सारी सब्जी सैनिटाइज करके अच्छे से वॉश करके इन्हें सूखने के लिए मैंने रखी हुई है यहाँ पर फैन के नीचे हॉल में। एंड आजकल कोरोना टाइम में घर का यही हाल होता है, जहाँ देखो वहाँ सब्जियां सैनिटाइज करके रखी होती है। आज संडे है, घी बनाने का काम भी काफी टाइम से पेंडिंग था, तो मैंने सोचा घी भी बना लिया जाए। एंड यहाँ पर मैंने घी के लिए चढ़ा दिया है और जो मक्खन निकाल के चढ़ाते हैं गैस पे, तो ये बॉईल हो रहा है, इसको भी टाइम लगेगा। घी बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है, आप जानते ही होंगे गाइस अगर आप बनाते हैं घर में। मीनवाइल मैंने केक की तैयारी कर ली है, यहाँ पर देख लीजिए ये मैंने बैटर बना लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एंड देन ये मैंने केक का जो मोल्ड होता है टिन वाला मोल्ड, उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसको बैटर को इसमें डालूंगी एंड माइक्रोवेव में लगा करके केक बनाऊंगी मैं। एंड तब तक मैंने माइक्रोवेव को प्री हीट मोड में लगा दिया है, तब तक प्री हीट हो रहा है माइक्रोवेव। तो यहाँ मैंने केक को बेक होने के लिए लगा दिया है, एंड इसमें ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स लग जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास केक डेकोरेशन का कुछ सामान है, देखिए आप ये एडिबल शुगर बॉल्स हैं जो कि केक की डेकोरेशन करने के काम आती हैं, ये कॉन्फेटीज हैं ये भी डेकोरेशन के काम आती हैं, ये भी मल्टी कलर कॉन्फेटीज हैं। एंड देन ये चॉकलेट कॉन्फेटीज हैं, वर्मिसेली कॉन्फेटी। एंड यहाँ पर मेरे पास केक को डेकोरेट करने के लिए फूड कलर्स हैं। ये सारे आइटम्स मेरे पास काफ़ी पहले से हैं, मैं पहले भी केक्स वगैरह घर पर ट्राई करती रहती थी, मुझे बेकिंग वगैरह का बहुत शौक़ है। एंड ऑल्सो कुछ कुछ चीज़ें मैंने अभी न्यू ली है लॉकडाउन के दौरान, बिकॉज अब हर चीज़ मैं घर पर ही ट्राई करती हूँ, घर पर ही बनाती हूँ। सो अभी केक की प्रिपरेशन हो रही है, लेट्स सी कि कैसा बनता है। एंड देखते हैं कैसा बनता है केक। आज मैं आप लोगों के साथ में केक बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप ही बताना कैसा बनता है। एंड द केक इज़ ऑलमोस्ट रेडी गाइस, आप देख सकते हैं इसने किनारों से जो टिन है उसको छोड़ दिया है। एंड इससे पहले मैंने, आप ये जो मार्क देख रहे हैं वो मैंने चाकू से चेक किया था। सो गाइस चाकू से चेक करने का तरीका यही है कि केक पका है कि नहीं पका है। उसका एक तरीका है कि आप एक साफ चाकू ले लें, उसको केक के बीचों बीच में ऐसे डालें, और अगर आपका चाकू एकदम क्लीन आता है, देखिए अभी इस पर केक के कोई पार्ट्स चिपके नहीं हुए हैं, तो इट मीन्स कि केक पूरी तरह से पक गया है। अगर कभी ऐसा हो कि केक जो है चाकू पर लग जाता है, तो इट मीन्स केक को और पकाने की ज़रूरत है थोड़ा सा। प्लीज़ इग्नोर द मेस इन माय होम, बिकॉज मैंने दिवाली की सफाई भी स्टार्ट कर दी है। एंड बीच बीच में वो भी चलता रहता है जब भी मुझे टाइम मिलता है। सो थोड़ी थोड़ी मेस क्रिएट हो जाती है घर को साफ सफाई करने के चक्कर में। बनाना इज सच अ बिग टास्क गाइज, बट जिनको घर के घी का स्वाद पड़ जाता है ना मेरी तरह, फिर उनके घर का ही घी का टेस्ट जो है कुकिंग में पसंद आता है, तो इसलिए मैं हमेशा घर का ही घी प्रेफर करती हूँ। एंड ऑल्सो मेरे बेटे को मैं हमेशा घर का ही घी खिलाती हूँ। केक ऑलमोस्ट ठंडा हो गया, अब मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी, और अब मैं केक की आइसिंग के लिए प्रिपरेशन करूँगी, व्हिप्ड क्रीम बनाऊँगी और उससे केक की डेकोरेशन करूँगी। आप देख सकते हैं केक के ऊपर मैंने आइसिंग कर दी है, एंड इसके लिए मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, बिकॉज मेरे पास आइसिंग वाला नाइफ नहीं है, तो मैंने ये नॉर्मल जो स्केल होता है उसको साफ करके उससे ये क्रीम को स्प्रेड किया है पूरे केक के ऊपर अच्छे से। एंड पेपर बैग है, इसके अंदर भी मैंने व्हिप्ड क्रीम भर दी, आगे नोज़ल लगा हुआ है, उससे मैं इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाया है मैंने फ़िलहाल, मैं इसमें एक और कलर ऐड करना चाह रही हूँ, जिससे मैं कुछ एक दो और डिज़ाइन बनाऊँगी इसमें डिफरेंट कलर की, बिकॉज़ पूरा येलो केक थोड़ा कंट्रास्ट में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड कलर्स दिखाए थे, उसी की हेल्प से मैं डिफरेंट कलर की व्हिप्ड क्रीम बना रही हूँ डेकोरेशन के लिए केक की। सो गाइस दिस इज हाउ द केक लुक्स लाइक एंड दिस इज द फाइनल आउटकम। एंड प्लीज गाइस डोंट जज, मैं कोई प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ मैंने घर पर ही थोड़ा ट्राई किया। केक अभी गया फ्रिज के अंदर, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है जब तक कि रात के 12 नहीं बज जाते। ये सारी चीज़ें कर रही थी, केक की प्रिपरेशन कर रही थी,
तब तक मेरा घी भी बन गया है। इस तरह से गोल्डन कलर आ गया है घी का। अब मैं इसको छान लूँगी एंड घी को अलग कर लूँगी। तो ये प्योर होममेड घी है एंड जो साइड साइड का जला है वो जल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि घी जल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। घी जितना ज़्यादा पकता है उतनी जल्दी वो ख़राब नहीं होता है। अगर आप कम पकाएंगे तो घी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जब तक ये जब ये गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है देखिए आप घी का, तो इट मीन्स कि ये काफ़ी अच्छे से पक गया है एंड घी की अरोमा भी आने लगी है। आइस किचन की जो हालत हुई है ना, आई स्वेयर, ये देखो ज़रा यहाँ पे कलर गिर गया था, इसको मैं अभी टिश्यू से साफ़ कर रही हूँ। एंड ज़रा सा एक केक बनाने में किचन में ऐसा लग रहा है भूचाल आ गया है गाइस। साफ़ कर लूँगी थोड़ी देर में। अपने जो लव्ड वंस होते हैं उनके लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल करते ही होगे, तो ये भी उसी का एक पार्ट है। साफ़ हो जाएगा 5 मिनट में। अभी सब मैं साफ़ करने में लगने वाली हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ऑल राइट गाइस, अभी मैंने चेंज कर लिया है एंड चेंज इसलिए करना पड़ा बिकॉज केक बनाने में किचन की हालत तो ख़राब हुई हुई, साथ में मेरे कपड़ों की और मेरी हालत भी ख़राब हो गई, इसलिए मैंने चेंज कर लिया है। एंड अभी बज चुके हैं 11 और अभी मैं सोच रही हूँ कि जो गिफ्ट्स मैंने अपने हस्बैंड को देने के लिए एज अ बर्थडे गिफ्ट मंगवाए हैं उनको मैं गिफ्ट रैप कर देती हूँ, बिकॉज ऐसे प्लेन देना अच्छा नहीं लगता ना यार, तो फिर मैं थोड़ा सा उनको गिफ्ट रैप कर देती हूँ। एंड ये है ऑर्गेनिक इंडिया की हनी तुलसी कैमोमाइल टी। ये स्ट्रेस में रिलीव करती है, माइंड को रिलैक्स करती है। अगर आप इसको सोने से कुछ देर पहले लेते हो तो आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो मैं यहाँ पर गिफ्ट रैप करती जा रही हूँ और साथ ही साथ अपनी ये कैमोमाइल टी भी इंजॉय करती जा रही हूँ, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट डेली इसे लेती हूँ एंड इससे मेरा माइंड बहुत ही रिलैक्स हो जाता है सोने के पहले एंड नींद भी अच्छी आती है। एंड इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप चाहें तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। पापा के बर्थडे के लिए कौन सा सॉन्ग बनाया है? My daddy is the best. करके दिखाओ मुझे। My daddy is the best. 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 एंड मैंने केक पर मिस्टर बिजी इसलिए लिखा है बिकॉज मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं हर वक्त कॉल पे, लैपटॉप पर एंड अपने ऑफिस वर्क में। तो ये एक सटायर था उनके लिए कि उनके केक पर मैंने मिस्टर बिजी लिखा है। गुड मॉर्निंग एंड अभी बजने वाले हैं सुबह के 8, 5 मिनट बाकी हैं एंड मैंने सारे काम फिनिश कर लिए हैं अपने सुबह के। वर्कआउट का टाइम हो रहा है, मैं 8 से 9 में वर्कआउट करती हूँ, मिलती हूँ आपसे 1 घंटे के बाद। ओके सो वर्कआउट इज़ डन, नाउ आई विल टेक अ शावर और उसके बाद करती हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नाश्ते पर। ओके गाइस, सो आई हैव टेकन अ शावर, मैं अभी किचन में हूँ और नाश्ता भी मैंने बना लिया है। चलिए दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या बनाया है। सो दिस इज़ पनीर सैंडविच, ये नाश्ता है हमारा आज का। एंड गाइज, ये जो व्लॉग है वो 11 और 12 अक्टूबर का व्लॉग है एंड जब तक ये एडिट होगा तब तक शायद नवरात्रि आ जाएंगे, तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। ये पहले का व्लॉग है एंड माई हस्बैंड इज़ अ चिकन लवर, उनको चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, नॉन वेज में वो सिर्फ चिकन ही खाते हैं। तो मैं उनके लिए चिकन बना रही हूँ उनके बर्थडे पर, बिकॉज ये उनका फेवरेट है। तो ये होममेड चिकन बनाया हुआ मैंने आज लंच में एंड ही इज़ अ फूडी, ही लव्स फूड। मैं जो कुछ बनाती हूँ बहुत ही ज़्यादा प्यार से खाते हैं, तो मुझे उनके लिए खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये
यम यम। Guys, this is how we celebrated our special day at home. इस कोरोना टाइम में हमने घर पर ही सब कुछ सेलिब्रेट किया है, चाहे वो बर्थडेज हों, एनिवर्सरीज हों, हमने घर पर ही रहकर छोटी छोटी खुशियों को खूब इंजॉय किया है। एंड आई होप कि आज का ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आगे से आने लगेगा, फर्स्ट टाइम है ब्लॉगिंग का, आगे करते करते और भी अच्छे से आने लगेगी मुझे ब्लॉगिंग। एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। एंड गाइज, मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आज के ब्लॉग में सबसे अच्छा आपको क्या लगा, आज के ब्लॉग का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। एंड विद दिस आई एंड माई ब्लॉग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।